इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के 7 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ सिली के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 335 सालों तक चला। 1651 में शुरू होकर ये युद्ध 1986 में ख़त्म हुआ, लेकिन इस युद्ध में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। 1960 पहले टोबैको कंपनी ऐसी ऐड चलाती थी जिनमें डॉक्टरों को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता था ताकि लोगों को ये लगे कि स्मोकिंग के हेल्थ बेनिफिट होते हैं। टेम्पल ऑफ आर्टिमिस जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, इसे हेरोस्ट्रेटस नाम के व्यक्ति ने सिर्फ फेमस होने के लिए जला दिया था, लेकिन इसके लिए उसे फांसी दी गई और यह ऐलान कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर हेरोस्ट्रेटस का जिक्र करता हुआ पाया गया तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। बाद में एक ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने हेरोस्ट्रेटस का नाम अपनी किताबों में दर्ज किया और इसलिए आज हमें उसके बारे में पता है। जिस रात टेम्पल ऑफ आर्टिमिस को जलाया गया उसी रात अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। जब अलेक्जेंडर राजा बना तो उसने टेम्पल ऑफ आर्टिमिस को फिर से बनाने की पेशकश की, लेकिन उसकी पेशकश नहीं मानी गई। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद 323 BC में उसे फिर से बनाया गया। 401 AD में टेम्पल ऑफ आर्टिमिस पूरी तरह तबाह हो गया। एक बार हिटलर के एक सहयोगी ने हिटलर से कहा कि उनकी छोटी मूछें काफ़ी अनफैशनेबल है। इस पर हिटलर ने जवाब दिया कि फिलहाल ये फैशन नहीं है, तो जल्दी ही बन जाएगी क्योंकि मैं इन मूछों को रखता हूँ। सेकंड सेंचुरी में कोमोडोस नाम का एक राजा था। वो अपने राज्य के सभी अपंग और कमज़ोर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे से लड़ने का हुक्म देता था जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। 13 सेंचुरी में यूरोपियन क्रिश्चियन द्वारा 30,000 बच्चों को धर्मयुद्ध में भेजा गया था शत्रुओं से जेरूसलम शहर वापस हासिल करने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर बच्चे मारे गए और कई बच्चों को बेच दिया गया। इस ऐतिहासिक घटना को चिल्ड्रेंस क्रूसेड कहा जाता है।